ما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخر। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के उद्घाटन के साथ साथ तुष्टिकरण और ध्रुवीकरण की राजनीति करने वाले लोगों को भी करारा संदेश दे दिया। प्रधानमंत्री ने उद्घाटन समारोह में कुछ ऐसा कर दिया कि जिसको देखने के बाद विरोधी दल अब तिलमिला उठी है। 28 मई के इस नए सवेरे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नए भारत को नए संसद भवन के साथ नया संदेश भी प्रदान किया। पीएम मोदी को मुस्लिम विरोधी कहने वालों को आज करारा जवाब मिल गया। प्रधानमंत्री ने विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत को आज लोकतंत्र का नया मंदिर समर्पित किया। समारोह में 12 अलग अलग समुदाय के लोगों ने एक साथ नए संसद भवन के लिए प्रार्थना किया। आप दृश्य में साफ तौर पर देख पा रहे होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने शालीनता से हर एक धर्म के प्रार्थना को सुन रहे हैं। हिंदू संतों के द्वारा इस्लाम प्रार्थना को गर्म जोशी के साथ सम्मान किया गया। प्रधानमंत्री आंख मूंद कर हर एक प्रार्थना को सुन रहे हैं और इस नए संसद भवन से भारत का नया इतिहास लिखने में आगे बढ़ रहे हैं। यह दृश्य अपने आप में प्रभावशाली है। यह दृश्य हमें बतलाता है कि इस संसद भवन में, इस लोकतंत्र के मंदिर में कहीं भी धर्म, मजहब, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं है। प्रधानमंत्री ने देश को संदेश देते हुए और ध्रुवीकरण और तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले लोगों को भी चेता दिया है कि इस नए भारत में कहीं भी धार्मिक विचारधारा वाली राजनीति को पनपने नहीं दिया जाएगा। ये देश सर्वधर्म संपन्न और वसुधैव कुटुंबकम का ही गुणगान करेगा। TNN वर्ल्ड से मैं हर्षवर्धन इस रिपोर्ट के साथ आप तमाम जनता से विदा लेता हूं। धन्यवाद।